न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ऑलराइट एवरीवन, नाउ सी, अब एक्शन और रिएक्शन किसे बोल सकते हैं? किसी को भी बोल सकते हैं. इट्स ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर. इट्स ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर. पहली बात तो ये. दूसरा, फोर्सेस का टाइप सेम होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है? फोर्सेस का टाइप सेम होना चाहिए. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, लिखेंगे फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज कसम गजब स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है. ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज, सॉरी, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर. एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर. इसी नहीं चल रहा क्या? फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर, राइट? थर्ड पॉइंट दे बोथ आर इंटरचेंजेबल. वन कैन कॉल दे बोथ आर इंटरचेंजेबल. वन कैन कॉल एनी फोर्स एक्शन और रिएक्शन. वन कैन कॉल एनी फोर्स एक्शन और रिएक्शन. गेट इट एवरीवन? लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही है, ठीक है? द नेचर ऑफ फोर्सेस शुड बी सेम. चले लोकन द बॉर्ड. ये तेरे को दिख रहा है छोटे? ओए हीरो, यहां लिखूंगा तो दिख जाएगा. यहां दिख रहा है? वहां जाके बैठ जा, दोनों उधर जाके बैठ जा. इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे शिफ्ट कर लो ना, बेंचेस ऐसे भी शिफ्ट कर लो. वहां कोने में घुसने को मतलब ही नहीं. अरे पैर के नीचे देख. तेरे को दिख रहा है ना? ठीक है सर, कोई नहीं. चले तो क्या लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया यार? बोर्ड पे ध्यान देंगे. मान लेते हैं ये टेबल है, राइट? इसके ऊपर एक मतलब कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ. लेट अस सपोज एक बॉल पड़ी हुई है, करेक्ट है? टेबल बॉल पे क्या लगाएगा बच्चे? एक नॉर्मल लगाएगा, यस और नो? बॉल का खुद एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, क्या होगा? आर वी क्लियर? तो एन की वैल्यू क्या हो गई? तो एन और एमजी कैसे हो गए बेटा? एक्शन एंड रिएक्शन. एक और पॉइंट लिखो. इक्वल लिखा था क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, मत लिखो, लिख दिया. एन और एमजी कैसे हैं बेटा? एक्शन रिएक्शन. गलत जवाब. दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी तीसरा पॉइंट लिखवाया. दे शुड बी ऑफ सेम नेचर. ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट बच्चे? और ये कॉन्टैक्ट फोर्स है. ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं, राइट? तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होंगे, ध्यान से देखना. इस टेबल ने इस बॉल पे जो नॉर्मल लगाया है, यही सेम बॉल इस टेबल पे भी एक नॉर्मल लगाएगी. आर वी क्लियर? नीचे की डायरेक्शन में. तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों इक्वल भी है और अपोजिट भी है. तो दीस टू विल बी एक्शन रिएक्शन. आप किसी को भी एक्शन बोलो और किसी को भी रिएक्शन बोलो. अब सवाल आता है, सर एमजी वाला कहां गया? पृथ्वी है, पृथ्वी तो एमजी फोर्स लगा रही है इस पर.
तो ये बॉल भी पृथ्वी पे क्या लगाएगी, ऊपर की तरफ एमजी फोर्स लगाएगी। अरे क्लियर है क्या? तो एक्शन रिएक्शन, एक्शन, अरे क्लियर है क्या? सिमिलरली एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। स्प्रिंग है, क्या छोटे स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक बॉल अटैच है, थोड़ी बहुत तो आती होगी आप लोगों को चीजें, ना अज्यूम कर रहा हूं। तो के एक्स नॉट पहले से कुछ क्या एक्सटेंड हो जाएगी, स्प्रिंग शुड बी इक्वल टू एमजी, हाँ या ना? तो के एक्स नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो क्या ये एक्शन रिएक्शन है? नो, दोनों का नेचर अलग है, राइट? मतलब स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग फोर्स है ना, और एक लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? The nature of both these forces are different, that's why we can't say them to be action and reaction pair. So, what would be their action and reaction pair, बच्चे? देख ध्यान से। जैसे इसने इस पे kx नॉट लगाया, राइट? मतलब स्प्रिंग ने इस पे क्या लगाया? kx नॉट लगाया। ऐसे ही स्प्रिंग पे ये ब्लॉक भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि kx नॉट ऊपर लग रहा है, तो ये ब्लॉक स्प्रिंग पे कैसा फोर्स लगा रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, अरे हाँ या ना? तो इस स्प्रिंग पे भी एक फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, दैट वुड बी के एक्स नॉट। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या है बेटा? एक्शन एंड रिएक्शन। मीनवाइल दैट अगेन दैट फोर्स एमजी, राइट? एमजी वाज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, दैट्स व्हाई देयर विल आल्सो बी पुल, ग्रेविटेशनल पुलिंग अपवर्ड इक्वल टू, this is again action, this is again reaction, this is earth। अरे एकदम दिमाग में घुस गया कि नहीं?